हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। चैप्टर है सिविक्स का चैप्टर 3 क्लास 9 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, हमने देखा है और समझा है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे इस चैप्टर में। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। अभी आइए देखते हैं हम कि क्या क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहले स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो एक बेसिकली पूरा आउटलाइन पूछ सकते हैं, नरेट द होल स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका, हाउ दे इवॉल्व देयर कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से। तो आपको पूरी कहानी पता होना चाहिए। उसके बाद में प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नॉन वाइट्स, या फिर किस तरह से जो नॉन वाइट्स थे वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते थे, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर हाउ दे वर ट्रीटेड एज इंफीरियर इन साउथ अफ्रीका, व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स विच द ब्लैक्स वर फेसिंग। तो शब्द अलग अलग हो सकते हैं क्वेश्चन के, बाकी एक इस चीज पे क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको लिखना है कि पब्लिक प्लेसेस अलग अलग थी, उनको व्हाइट्स के एरिया में काम करने के लिए जाना पड़ता था तो परमिट लेना पड़ता था, ये सारी चीजें, ठीक है। और इसके साथ साथ में एक्सप्लेन एन एंड टू अपार्टहाइड, इसमें यह पूछा जा सकता है कि किस तरह से साउथ अफ्रीका का जो नेशनल मूवमेंट है, साउथ अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट, वो स्ट्रेंथन हुआ और व्हाइट माइनॉरिटी रूल जो था उसे खत्म किया गया, किस तरह से वहां पे इक्वालिटी आई है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इन शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो साउथ अफ्रीका की पूरी कहानी एक क्वेश्चन बन सकता है, उसके बाद में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स वाला एक क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन सी वाला बन सकता है टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो था सेक्शन, उस पे से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है तीनों क्वेश्चन को मिला के। तो आपको उस चीज के लिए तैयार रहना है कि क्वेश्चन कैसा ही आए आपको कंटेंट सारा पता है। नेल्सन मंडेला के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वन मार्क्स में इस तरह से आ सकता है, इंडिपेंडेंस कब मिली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, व्हेन डिड साउथ अफ्रीका गेट इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्या क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, हमने डायरेक्ट एक वीडियो में इसी चीज को डिस्कस किया है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू। तो ये दो सेंस में क्वेश्चन बन सकता है, दो तरह से बन सकता है, कंटेंट वही जाना है कि डिग्री ऑफ ट्रस्ट डेवलप करवाता है, एस्पिरेशंस बताता है सोसाइटी की, वो सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है, तो एक क्वेश्चन वो बन सकता है। आगे अगर देखते हैं हम यहाँ पे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बातें हम, तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब क्या प्रोसेस चल रही थी, क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस करे थे, ठीक है। तो चैलेंजेस में वही पार्टीशन वाला लिख सकते हो, प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम लिख सकते हो, उसके बाद में जो कम्युनल डिसहार्मनी डेवलप हो रही थी वो सारा सब कुछ लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, ये चैलेंजेस ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि क्या चैलेंजेस, किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ठीक है। अगली चीज क्या है, सोर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इंस्पिरेशन, तो इसमें वो सारी चीजें लिखना है आपको कि जैसे जो पहले हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन में हमने पार्टिसिपेट किया, कराची सेशन के बारे में लिख दीजिए, और उसके बाद में लिख दीजिए किस तरह से रशियन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, वहां से हम लोगों ने इंस्पिरेशन उठाया है। तो ये सारा सब कुछ क्या में लिखना है आपको, ये सारा सब कुछ इस कंटेंट में लिखना है कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या फिर सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हुई है कि एक चैलेंजेस पे क्वेश्चन बन सकता है, एक पाथ वाला जो हेडिंग था कि द पाथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस पे से क्वेश्चन बन सकता है। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली एक पोटेंशियल टॉपिक है या फिर पोटेंशियल हेडिंग है जिसमें से क्वेश्चन तय है आना है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है उस पे आपको ध्यान रखना है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको लिखना है, उसके बाद में वर्क डन बाय इट, कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी वो लिखना है कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहती हैं, इतने मेंबर होते हैं, सारी चीजें, और काम क्या 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 किया गया उनके द्वारा कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था, कब तैयार हो गया था, कब इंप्लीमेंट हुआ, वो सारी चीजें इस वाले पार्ट में आएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, ये वन मार्क्स में भी आ सकता है और ये थ्री मार्क्स में, फाइव मार्क्स में भी आ सकता है। तो इस चीज पे स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला। आगे बढ़ते हैं, अगर प्रीएम्बल वन मार्क्स, थ्री मार्क्स, फाइव मार्क्स, तीनों में पोटेंशियल रखता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीएम्बल, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। व्हाट इज प्रीएम्बल एक्सप्लेन, तीन मार्क्स में आ गया। तो लिखिए एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो बेसिक वैल्यूज को डिस्क्राइब करता है, इट अपहोल्ड्स द होल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें। और इसके जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स थे प्रीएम्बल के, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया से लगा के सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारी चीजें जो है, जो एक एक हेड मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि हाँ इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये वन मार्क्स में आने की पॉसिबिलिटी है। इसी के साथ साथ में ध्यान रखना कुछ फैक्चुअल डिटेल, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद में दूसरा ये है कि ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन कौन थे, दोनों आपको ध्यान रखना चाहिए, दोनों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो एक ये भी चीज बन सकती है इसमें,
प्रीएम्बल हो गया, प्रीएम्बल के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हो गए। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन पे। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? इंस्टीट्यूशनल डिजाइन पे ये क्वेश्चन बन सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होते हैं, वो चीज एक इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बारे में लिख दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वैल्यूज और फिलोसफीज को ही नहीं अपहोल्ड करता है, वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को भी बताता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली जो मैंने बताया ये क्वेश्चन आ जाएंगे ऐसे कैसे शब्दों में, शब्द बदलेंगे क्वेश्चन के, ठीक है। आई रिपीट, क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, बाकी कंटेंट तो जो हमने पढ़ा आंसर तो वही जाएगा ना। तो मैंने आपको एक बेसिक आउटलाइन बता दिया, पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि यहां से क्वेश्चन ऐसा बन के उठ के आ सकता है। अब आपको क्या करना है, आपको आपने सारी चीजें पढ़ी है, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना है, बुक को एक बार पढ़ना है। जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। बुक पढ़िए तो आप एनसीईआरटी की भाषा बोलना सीख जाएंगे, आप जब उस वर्ड्स में आंसर्स को लिखेंगे तो वो आपके मार्क्स मतलब आपके आंसर को एक अलग ही स्टैंड देगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने चैप्टर 3 जो था हमारा सिविक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वो कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो हमारा चैप्टर 4 है, अब हम नेक्स्ट वीडियो से उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखेंगे उसमें क्या है, वो सारी चीजें नई चीजें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।